राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचार की थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर है रूसो के राजनीतिक विचार, और रूसो के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आज हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत और लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत पर अध्ययन करेंगे। रूसो, जिसका जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, और इनकी प्रसिद्ध कृति या प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सामाजिक अनुबंध, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और रूसो के जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार हैं उनका वर्णन उन्होंने सामाजिक अनुबंध नामक ग्रंथ में ही किया है। रूसो जब सामाजिक समझौते सिद्धांत के आधार पर बताता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें वह सबसे पहले हॉब्स और लॉक की तरह मानव स्वभाव का वर्णन करता है, और मानव स्वभाव के पश्चात वह प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है। देखिए, जब हम हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, तो हॉब्स का मानना था कि जो मानव है वो स्वभाव से हिंसक, कपटी और दुष्ट प्राणी है, जो हमेशा संघर्ष में रहता है। दूसरी ओर जब हम लॉक के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं, तो लॉक का मानना है कि जो मनुष्य है वो एक ऐसा प्राणी है जिसमें दया, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन रूसो के विचार हॉब्स और लॉक के विचारों से नितांत भिन्न है। रूसो यह मानकर चलता है कि यदि मानव झगड़ालू प्राणी है, जैसा कि हॉब्स मानता है, तो रूसो का मानना है कि जो मानव जाति है वो दो या चार पीढ़ियों से ज़्यादा ना चल पाती, मानव जाति का ही अंत हो जाता, क्योंकि मानव को वो कैसा प्राणी बताता है, उसका मानना है कि मानव झगड़ालू है, उसका हमेशा दूसरों के साथ संघर्ष रहता है, वो स्वार्थी है, हिंसक है। तो जब मानव स्वभाव से दुष्ट है, हिंसक है, स्वार्थी है, तो मानव जाति बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती, जबकि ऐसा नहीं है। और यदि हम लॉक का मानव स्वभाव पढ़ते हैं, तो लॉक कहता है कि मानव स्वभाव से बहुत अच्छा प्राणी है, उसमें दया, सहानुभूति जैसे गुण विद्यमान है। लेकिन रूसो कहता है कि जो ऐसे गुण एक विवेकशील प्राणी में होते हैं, जबकि जो मनुष्य है वो प्रारंभ में बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं चलता था, बल्कि उसका जो व्यवहार है वो भावनाओं पर आधारित होता था। तो मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए रूसो का मानना है कि जो आदिम समय का, यानी कि प्राकृतिक अवस्था के समय का जो मनुष्य था, उस मनुष्य का स्वभाव पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। यानी कि उसके व्यवहार की तुलना, मानव के स्वभाव की तुलना वो पशु से करता है। जैसे पशु है, पशु यदि हिंसक भी होता है तो वो बदले की भावना से या किसी स्वार्थ से वशीभूत होकर नहीं होता, और यदि वो शांतिपूर्वक भी जीवन व्यतीत करता है तो वो अपनी इच्छा से करता है। तो मनुष्य का स्वभाव भी पशु तुल्य था। वो यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है या वो नैतिकता से प्रभावित होकर नहीं करता था, और बुरा कार्य भी वो जानबूझकर नहीं करता था, वो नैतिकता के विचारों से रहित हो एक बुद्धिहीन प्राणी था, जिसे स्वयं नहीं मालूम था कि उसके द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत है, क्योंकि वह निर्दोष और पशु तुल्य था। तो रूसो यह मानकर चलता है कि मनुष्य उस समय स्वभाव से अच्छा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव में अनेक दोष समाहित होते चले गए, जिसे हम प्राकृतिक अवस्था के बाद में उसको आपको बताऊंगी।
फिर सेकेंड आती है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जो राज्य से पहले थी, जब राज्य नामक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, मनुष्य एक जंगलों में आदिवासी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, तो उस अवस्था को हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देते हैं। जब हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या कहता है कि मनुष्य स्वार्थी और झगड़ालू था, तो उस समय की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था थी, और उस संघर्ष की अवस्था में से तंग आकर उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का अंत किया। लॉक क्या कहता है, लॉक का मनुष्य प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे गुण मनुष्य में विद्यमान है, तो प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था ना होकर एक शांतिमय अवस्था थी, ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित था। लेकिन उस समय किसी भी प्रकार के नियम या सत्ता या कानून का अभाव था, और इन कमियों के कारण प्राकृतिक अवस्था का अंत किया गया। लेकिन रूसो की प्राकृतिक अवस्था भी उसके मनुष्य के स्वभाव की तरह ही थी, क्योंकि जो मानव था, मानव के स्वभाव की तुलना वो पशु से कर रहा है कि पशु तुल्य था, तो वो अपनी प्राकृतिक अवस्था को दो भागों में बांटकर चलता है। कहता है कि जो आदि मनुष्य था, जो प्रारंभिक अवस्था का मनुष्य था, उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बिल्कुल स्वच्छंद अवस्था थी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कानून नियम नहीं था, मनुष्य पूर्णतया स्वतंत्र था, वो अपने जीवन से संतुष्ट था, निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत करता था, उसकी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ना वो किसी से डरता था, और ना ही वो अवस्था हिंसक अवस्था थी, संघर्षमय अवस्था नहीं थी। उसके अनुसार जो आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, जिसमें वो मस्ती से स्वच्छंद और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था और अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट था, इसी प्राकृतिक अवस्था में को आगे चलकर रूसो बताता है कि यह प्राकृतिक अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। क्यों नहीं रह सकी, कहते कि धीरे धीरे जो मानव जाति है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी, उनकी इच्छाएं बढ़ने लगी। रूसो का मानना है कि वो मनुष्य जिसके मन में सबसे पहले यह भावना आई कि जिस भूमि में वह निवास करता है, जिस जगह पर वो निवास करता है, ये मेरी है, तो रूसो कहता है कि वो व्यक्ति पहला ऐसा था जिसने संपत्ति की भावना को जन्म दिया। धीरे धीरे कहते संपत्ति रूपी सर्प ने वो संपत्ति की तुलना सांप से कर रहा है। रूसो ने कहा है कि जब संपत्ति रूपी सर्प ने मानव जाति में प्रवेश कर लिया, मानव के समाज में प्रवेश कर लिया, तो उसकी सुख शांति नष्ट हो गई। जब मनुष्य के जीवन में संपत्ति को रखने की भावना आई, तो साथ ही मनुष्य के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो गई। जो मनुष्य एक पशु तुल्य निष्पाप जीवन व्यतीत करता था, उस मनुष्य के मन में तेरे और मेरे की भावना आ गई, वो स्वार्थी हो गया और साथ ही वो झगड़ालू हो गया। यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था शांतिमय अवस्था थी, स्वच्छंद अवस्था थी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी और मनुष्य अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट था, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। इस अवस्था का अंत हो गया। अंत इसलिए हुआ क्योंकि संपत्ति रूपी सर्प ने मानव समाज में प्रवेश कर लिया, और उस प्रवेश करते ही जो प्राकृतिक अवस्था है वो एक तीव्र संघर्ष की अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब क्या है, अब व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था, ना व्यक्ति की संपत्ति सुरक्षित थी और ना व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित थी। मनुष्य उस प्राकृतिक अवस्था में से दुखी हो गया, परेशान हो गया, और मनुष्यों ने इस व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए अनुबंध के आधार पर या समझौते के आधार पर राज्य नामक संस्था का निर्माण किया।
तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था को दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहली अवस्था, जब संपत्ति नहीं थी मनुष्य के जीवन में, वो एक आदिम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन संपत्ति के प्रवेश के साथ ही मनुष्य के जीवन की शांति खत्म हो गई, प्राकृतिक अवस्था की शांति और स्वतंत्रता खत्म हो गई, प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था में परिवर्तित हो गई। तब जाकर मनुष्य ने यह अनुभव किया कि राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। और राज्य की स्थापना कैसे हुई? सामाजिक समझौते के माध्यम से, यानी कि उस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए रूसो यह कल्पना करता है कि सभी जो मनुष्य हैं वो एक स्थान पर एकत्रित हुए। देखिए, चाहे हम हॉब्स के सामाजिक समझौता का अध्ययन करते हैं या लोक के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं, ये तीनों विचारक यह मानकर चलते हैं कि पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था और प्राकृतिक अवस्था की कमियों से परेशान होकर उसने समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया, और राज्य के निर्माण से पहले सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर समझौता करते हैं। अब रूसो का जो समझौता है वो हॉब्स और लॉक के समझौते से थोड़ा भिन्न है। रूसो क्या कहता है कि सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया जाता है। किसको करते हैं ये समर्पण? वो है, उसके लिए नाम देते हैं सामान्य इच्छा को, यानी कि वो अधिकारों का समर्पण सामान्य इच्छा को कर देते हैं। यानी सरल शब्दों में समझाना चाहूं कि अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वरना मानव समाज के लिए किया गया। समझौते के अनुसार संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। सामान्य इच्छा क्या है? रूसो मानता है कि मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा है यथार्थ इच्छा, दूसरी है आदर्श इच्छा। जो यथार्थ इच्छा है वो है अपने स्वार्थों पर आधारित इच्छा, और आदर्श इच्छा है जिसमें समस्त समाज का हित समाहित होता है, और जो सामान्य इच्छा है वो इन आदर्श इच्छाओं का योग है। यानी कि सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा वो इच्छा है जिसमें समाज और राज्य का हित समाहित है। तो रूसो यह कल्पना करता है कि मनुष्य पहले एक जगह इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर वो अपने ऊपर शासन करने की शक्ति या अपने अधिकारों का समर्पण समाज को करते हैं। यानी कि पहले समाज का निर्माण हुआ, और समाज का निर्माण होने के पश्चात वो अपने जो अधिकारों का समर्पण है वो समाज यानी सामान्य इच्छा को कर देते हैं, और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि रूसो ये कहीं क्लियर नहीं करता कि जब समस्त मनुष्य इकट्ठे होकर राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो अपने ऊपर शासन करने की शक्ति वो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहे हैं, यह क्लियर नहीं है। उसके लिए वो एक शब्द प्रयोग कर रहा है कि अपने ऊपर शासन करने की शक्ति वो सामान्य इच्छा को सौंप देते हैं। रूसो के शब्दों के अनुसार कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को, ठीक है ना, स्वयं अपने आप को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। अब क्योंकि मनुष्य स्वयं समाज का अंग है, तो रूसो कहता है कि समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने की शक्ति स्वयं मनुष्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने ऊपर शासन करने की शक्ति किसे सौंपी है? मानव समाज को सौंपी है। अब मानव समाज का खुद वह हिस्सा है, तो एक तरह से वो खुद शासन का एक अंग बन जाता है, वह अपने व्यक्तित्व अपनी पूर्ण शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि रूसो कह रहा है कि सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के पश्चात अपने ऊपर शासन करने की शक्ति वो सामान्य इच्छा को सौंप देते हैं। सामान्य इच्छा सभी के समाज के हित की इच्छा है, ठीक है, और वो सर्वोच्च है, संप्रभु है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, इवन व्यक्ति भी नहीं है। तो इस तरह रूसो सामान्य इच्छा के माध्यम से
राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसे हम रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत के रूप में जानते हैं। जब हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो अत्यंत जटिल और अस्पष्ट है। वो ये क्लियर ही नहीं कर पाता कि वास्तव में शासन करने की शक्ति वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को सौंप रहा है। वो कल्पना करता है कि मनुष्य ने अपने ऊपर शासन करने की शक्ति सामान्य इच्छा को सौंप दी है। इसके अतिरिक्त वो मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन करता है वो भी एक कल्पना पर आधारित है। हम कह सकते हैं कि आज के संदर्भ में रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।